मैं सच हूं, तुम मुझसे ज्यादा सच हो। वादों की सूली पे लटके हुक्म चोर बाजारी से लेकर कुर्सी की दीमक तक सब रद्दी के बाजार से मिलता है। सिर्फ दास्तानें हैं, लेकिन अब दास्तां गो कहानी को नया मोड़ देने वाला है। इन्वेस्टिगेटर, मैं सत्तार खान, कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं सच के साथ हूं। वेलकम बैक नाजरीन। हाँ सब, हम बात कर रहे थे सेकंड जीआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जो फ्लॉज थे और झोल थे। अब फ्लॉज और झोल किस तरह के थे, अब ये इनकी अकल के बारे जाए कि भाई आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सोसाइटी में ऐसे सेगमेंट भी हैं जो जरदारी को शक की निगाह से देखते हैं, बल्कि कुछ तो कहते हैं करवाई जरदारी ने, ठीक है। अब आपके आप पर शक किया जा रहा है, एक कोई हल्का है जो आप पे, आपके जो ओपोनेंट है ना, सियासी मुखालफ जो आपके हैं, वो तो कहते हैं इसे बेहतर मौका नहीं मिलेगा जरदारी पे डालो, नहीं पड़ा किसी पे तो डालो ना, चलो अब आप तो एहतियात करो ना। आप काम वो करते हैं कि उनके शक को यकीन में बदलने में जरा सा वक्त भी ना लगे, और मेरे जैसा बंदा भी शक में पड़ना शुरू कर दे। मैंने इन्वेस्टिगेशन अगर ना पढ़ी होती तो मैं कभी इस तरह ना, मैं भी शक में पड़ सकता था। ये जो चालान सबमिट होता है, इसमें जो पहला चालान सबमिट हुआ कोर्ट में, अब ये इन्फेंसी स्टेज के ऊपर आप ऐसे ऐसे लकूनाज ला रहे हो कि जिससे आप पे शक पड़ना शुरू हो गया। जब बेनजीर भुट्टो साहबा का मर्डर हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो बेनजीर जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उसके पीछे एक गाड़ी थी, ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज, उसको बैकअप कार कहा जाता था। ये बैकअप कार है, इसने बेनजीर से हटना नहीं है कि इन एनी केस उसने साथ अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो ये बैकअप के लिए गाड़ी साथ रहेगी, ठीक है। वो बैकअप वाली जो गाड़ी थी ना, वो बेनजीर को वहां से छोड़ के चली गई थी उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम पे। अब ये नहीं कि जो गाड़ी में बैठे हुए थे लोग वो सारे बेनजीर के बहुत करीब थे, ये नहीं है कि वो उसमें साजिश में शामिल थे, लेकिन अब देखें ना कि किस तरह का हो रहा है कि ये डूबियस सर्कमस्टांसिस नहीं होते कि बंदा सोच भी पड़ जाए यार इन गाड़ी को साथ रहना चाहिए, गाड़ी को क्या, अब वो गाड़ी चलेगी जरदारी हाउस, ओके, ब्लास्ट हो गया, फिर पता चला, फिर वो गाड़ी वापस आई, फिर उनके जो गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे, रहमान मलिक साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर बाबर रवान साहब बैठे थे, फरतुल्ला बाबर बैठे हुए थे, जनरल तौकीर जया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जया बैठे हुए थे। अब वो कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे रहे थे कि जी जनाब हम इस गाड़ी के 5-15 मीटर के फासले पे थे, 3 मिनट के फासले पे थे, 2 मिनट के फासले पे थे, वेयर एज के जरदारी हाउस पहुंच चुके हुए थे, कहां लियाकत बाग और किधर, कहां जरदारी हाउस F8 में, हाँ जी, ठीक है। अब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, गलती अब जेआईटी करती है कि वो जो बैकअप में गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, इनको चाहिए था उनका प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर उनका स्टेटमेंट लेते चलान में सबमिट करते, इंटरम जो चलान था उसमें सबमिट करते, चार्जशीट जो सबमिट किया ना तो उनका भी स्टेटमेंट उसमें शामिल होता। इन्होंने ना डॉक्टर रहमान मलिक साहब का जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे ना उनका स्टेटमेंट लिया इन्होंने, ना डॉक्टर बाबर रवान जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे ना उनका स्टेटमेंट लिया, फरतुल्ला बाबा जो बाबर साहब जो थे जो प्रेसिडेंट जरदारी के स्पोक्स पर्सन थे ना उनका स्टेटमेंट लिया, ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जया का स्टेटमेंट लिया। उस स्टेटमेंट लिए बगैर ही, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, यूएन कमीशन रिपोर्ट उस चीज़ को बड़ा प्रोमिनेंटली डिस्कस कर रहा था कि यार इस गाड़ी, ये गाड़ी को कहाँ होना चाहिए था, ये कहाँ पहुँच गई, और जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे, कभी चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, कभी उसमें कुछ किसी कुछ भी तरह से किसी के जेहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि वो गाड़ी वाले साजिश में शामिल थे, नहीं, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं निभाई, पता तो करें ना कि जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की, जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बेनजीर के साथ ही रहना था, तो क्या लास्ट मोमेंट उन्हें साथ रहना चाहिए था, वो बेनजीर को छोड़ के आगे पीछे काम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी उसके उसका स्टेटमेंट लिए बगैर, दूसरी तरफ क्या कर रही है जेआईटी, जो बेनजीर के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे ना जी, नाहिद खान थी, डॉक्टर सफदर अब्बासी जो उनके मियाँ हैं वो थे, मखदूम अमीन फहीम थे, और मेजर इम्तियाज हुसैन थे जो सेक्रेटरी लाइजोन ऑफिसर थे बेनजीर के, ठीक है, और ड्राइवर था जावेदुर रहमान। अब इनके स्टेटमेंट तो ले लिए जेआईटी ने, भाई वो गाड़ी जो मौके पे मौजूद है, बेनजीर की शहादत जिस गाड़ी में हो रही है, वो गाड़ी बगैर टायर के, बगैर उसके पहियों के, बगैर वो क्या कहते हैं रिम होते हैं, क्या होते हैं जी,
वो जा रही है हॉस्पिटल तक, उनका स्टेटमेंट आपने ले लिया, वो जो बैकअप वाले वहां मौजूद ही नहीं थे जिनको मौजूद होना चाहिए, उनका असल में मौजूद होना चाहिए, नाहिद खान का आपने स्टेटमेंट ले लिया, डॉक्टर सफदर बासी उनके जो मियाँ उनका स्टेटमेंट ले लिया, मेजर इम्तियाज जो थे सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर उनका भी स्टेटमेंट ले लिया, आपने मखदूम अमीन फहीम साहब उनका स्टेटमेंट ही ले लिया, जो ड्राइवर था जावेद रहमान उसका स्टेटमेंट भी ले लिया, उनका स्टेटमेंट नहीं लिया। अब देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, ये क्या इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नाहिद खान थी उनको जो स्टेटमेंट उनसे लिया गया था ना, उनको क्वेश्चनर भेजा गया था, और वो क्वेश्चनर अगर आप पढ़ो ना तो लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, नाहिद खान हैज नथिंग टू डू विद द सिक्योरिटी ऑफ बेनजीर भुट्टो, उसका सिक्योरिटी रिलेटेड, वो तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी उनकी, उनसे सारे वो सवाल पूछे जा रहे थे जैसे कि कोई जो सिक्योरिटी वाला बंदा होता है उससे पूछते हैं, ये सवाल तो उससे पूछे जाते हैं जिसकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी थी, जिसने प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी, ठीक है, मेजर इम्तियाज साहब थे ना, आप उनसे पूछें, आप नाहिद खान से सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके मियां से भी वो कर रहे हैं, और क्वेश्चनर भेजा है, उन्होंने जो जवाब दिया आपने ले लिया, वेयर हैज के नाहिद खान साहिबा को जब यूएन कमीशन ने उनका स्टेटमेंट लिया था, उनका इंटरव्यू लिया था, तो बाकायदा उनको अप्रोच किया गया था फिजिकल टर्म में, आमने सामने बैठ के पांच पांच छह छह दिन और एक दिन में पांच पांच छह छह घंटे उनके साथ सवालात किए गए, ठीक है, और सारे वो सवालात थे जो करने चाहिए थे। अब यूएन कमीशन ये कर रहा है, जेएडी कुछ और कर रही है, यानी कि जेएडी बॉर्डर भी नहीं कर रही और सवाल भेज दिया, और हाँ साहब पहले देखो बड़े सानहे को इन्होंने इतना सीरियस क्यों नहीं लिया, किसको, इस सानहे को, एक इतना बड़ा एक ये मर्डर है, वो सवाल करो जिसका मुझे पता हो, ये इनसे पूछो कि आपने क्यों नहीं लिया, अब इससे क्या हुआ, पूछने वाला भी नहीं है, अब इससे हुआ क्या असल में, इससे उन लोगों के जहनों में जो इनके लोगों के जहनों में पहले शक है कि जी जरदारी साहब का कहीं ना कहीं हाथ है पक्का हो गया और रहमान मलिक साहब ये, तो वो कहेंगे कि इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया, ये तो सारे लोग बेनजीर के साथ तो थे लेकिन साथ साथ जरदारी के भी साथ थे, अब नाहिद खान और डॉक्टर सफदर बासी ये वो लोग थे जिनको जरदारी साहब जो ही आए हैं पावर में आए हैं प्रेसिडेंट बने हैं इन्होंने दोनों को फारग कर दिया। अब वो लोग सोचते होंगे कि यार नाहिद खान जिदा ताल्लुक ही नहीं थी, उनको सवाल भेज दिए, उनका स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट भी सिक्योरिटी रिलेटेड लिया, लेकिन जो गाड़ी में बैठे थे जिनका स्टेटमेंट लेना चाहिए था उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया। अब ये उस उनके जहनों को ना वो करने के लिए ना काफ़ी है कि वो कहेगा खान साहब ये क्या हो रहा है, आपके पास रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट दे रहे हैं, देखें ये क्या इसका मतलब है, बैकअप वाली गाड़ी भी है जबकि पता है सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, वो कहते हैं कि जी अपना ये इसका मतलब है कि ये जरदारी साहब हैं बीच में, ये रहमान मलिक साहब हैं, उनको तो मौका मिल जाता ना, आप ऐसे भाई स्टेटमेंट लेने में क्या पड़ता है, रहमान मलिक साहब से कहें हाँ सर आपका स्टेटमेंट लेना है, डॉक्टर बाबर रहमान साहब से कहें जनाब आपका स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, अब उसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से कहें जी आपका स्टेटमेंट लेना है, फरतुल्ला बाबर से कहें आपका स्टेटमेंट लेना है, उनका स्टेटमेंट लेके फिर आप इंटरिम चालान पेश करें, आपने सबके उन लोगों के जहनों पर ये एक तासुर को मजीद स्ट्रेंथन कर दिया कि कोई दाल में काला घर में से कोई बंदा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, ये जो काम हुआ है ना ये पता नहीं किस लेवल का हुआ है और कौन कौन था इसमें और किस किस तरह की ताकतें थी और किस किस तरह की फोर्सेस थी। अच्छा वही जीआईटी फिर एक और ब्लंडर मारती है जिसकी गो के यूएन कमीशन तारीफ कर रहा था एज कम्पेयर टू जो पहली जीआईटी बनी थी, ठीक है, लेकिन चूंकि मेरी भी आंख है ना थोड़ी सी काम करती है जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, ठीक है, इसमें अब ये हुआ कि वही जो चलान है जो अदालत में पेश किया जा रहा है, बेनजीर भुट्टो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने कुछ लोगों पर जब वो कराची में उन पर हमला हुआ था ना तो उन्होंने कुछ लोगों पे अपने शक का इजहार किया था कि ये लोग जो है ना ये मेरे पीछे हैं, ठीक है, उन्होंने लिया था नाम जो सबका आईबी उस वक्त भी आईबी चीफ थे डीजीआईबी इजाज शाह ब्रिगेडियर इजाज शाह का नाम लिया था, जनरल हमीद गुल का नाम लिया था और चौधरी परवेज राय का नाम लिया था। अब जेडी को चाहिए था कि इन लोगों का स्टेटमेंट भी लेते, शामिल तफ्तीश करते हैं। अब वहां पे एक और काम हो रहा है, ब्रिगेडियर इजाज शाह का तो स्टेटमेंट ले लिया जेडी ने, बाकी दोनों का लिया ही नहीं। अब ये देखो डिस्क्रिप, ये पिक एंड चूज अजीब और गरीब किस्म की हो रही है, इससे फर्क अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, फर्क भाई इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क, ठीक है, लोग शक करना शुरू करते हैं कि यार तीनों का एक ही सफ एक ही लिस्ट में एक का ले लिया दो का ले लिया, एक का स्टेटमेंट ले लिया दो का नहीं लिया, आप अपना केस खुद वीक कर रहे हैं, चालान जब आपका सबमिट हो रहा है तो उसमें वो
ये कहा जा सकता है कि यार तीन बंदे थे, आपने एक का लिया, दो का नहीं लिया, और ये चार बंदे जो बैकअप में बैठे हुए थे, बैकअप कार में बैठे थे, इन चारों का लिया ही नहीं, और वो जो पांच बंदे बेलनी के साथ बैठे हुए थे उनका आपने ले लिया। अब इसमें मैलाफाइड इंटेंशन कोई नहीं है, ये नलायकी है, सिंपल नलायकी है, ये नाहली है। इतना कम अज कम आपको ख्याल रखना चाहिए था कि हमने ये लकूना नहीं छोड़ने, हम पे ना कुछ शक करना शुरू कर दे। ये तो बेसिक झोल है ना भाई, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें होती हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि छोटी मोटी चीजें भी जब आप इस तरह से डील करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स को आप इस तरह डील करेंगे तो आपका इतबार उठ जाएगा भाई। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो आ जाएगा, आपकी इंक्वायरी को शक की निगाह से देखा जाएगा, यार कुछ हुआ ही नहीं, आपने अमी खान खान अपने पे शक डलवा दिया, यार ये किस तरह की महारत है। उसके अलावा जो कुछ भी होता रहा, इसमें चीज जो है कि मुशर्रफ गवर्नमेंट, मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां तक जिम्मेदार कि जिस लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, बहरहाल आपकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे बेनजीर 200 रैलीज को खिताब करी, भाई इलेक्शन सर पे हैं, उसने नहीं खिताब करना, सारे जिम्मेदारों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जब हो गया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई प्रॉपर, अब इतने साल गुजर गए, 10 साल हो गए। अब उसमें देखो ना, अब वो ये यूएन कमीशन, कई लोग उस पर एतराज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, उनकी जो क्वालिटी थी ना, वो मुझे बहरहाल टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखते हुए यूएन कमीशन की एक अच्छी अटेम्प्ट कहा जा सकता है, और अगर उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोई और होता तो ये भी चीज़ जो थी ना, शायद वो कहीं और चले जाते। अब और चीज़ें भी हैं इसमें, एक कारी सैफुल्ला थे, अब कारी सैफुल्ला बेनजीर भुट्टो मरहूमा पे अटेम्प्ट हो चुकी है, ओके, कराची में, अच्छा पहले वाली कराची में, ठीक है, 18 अक्टूबर को हो चुकी है, 27 दिसंबर को ये काम होता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि दो महीने का गैप है। अब दो महीने पहले एक वारदात होती है, कारी सैफुल्ला एक बड़ा ही डूबियस किरदार रहा है पाकिस्तान की जहादी तंजीमों के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से, बड़ा ही हाई प्रोफाइल लिया, कभी इसका नाम आता था जनरल परवेज मुशर्रफ पे अटैम्प्ट कर रहा है 2003 पे, कभी इसका नाम आता था कि बेनजीर की गवर्नमेंट टॉपल कर रहा है 1995 में, कभी इस कारी सैफुल्ला का नाम आता था कि जनाब एक मेजर जनरल थे, अबासी नाम था मेजर जनरल का, मुझे नाम उसका उनका भूल रहा है, तो जनरल अब्बासी जो थे वो फेडअप हो गए हुए थे आर्मी से भी, फौज अपने इदारे से भी, और बेनजीर से भी, और लिबरल फोर्सेस से, ठीक है, उन्हें क्या इनका कुछ करना है। तो जनरल अब्बासी साहब ने, मेरे जनरल जो थे, उनका इरादा था कि मैं कैप्चर कर लूँगा, मैं जीएचक्यू को कैप्चर कर लूँगा, ओके, अपना इदारा भी, बेनजीर भी, उस वक्त बेनजीर की हुकूमत थी, ठीक है। तो कारी सैफुल्ला जो था ना, वो हैंडलर भी था, वो जो एमुनेशन था, असला था, और इस मामले में जो चीज़ें चाहिए थी, पता नहीं कितने 100 क्लाशनकोव थी, ग्रेनेड्स थे, पता नहीं क्या, वो उसने सप्लाई करना, प्रोवाइडर भी था, हैंडल ठीक है, अब वो उस लेवल का था, उसका नाम घूम फिर के, अच्छा वो एक डुबिस किरदार रहा है कारी सैफुल्ला, कि समझ नहीं आती मुल्क कैसा मुल्क है। कारी सैफुल्ला को कराची में पकड़ा जाता है इन कनेक्शन विद द कारसाज, ठीक है, फिर किसी एक एजेंसी का इंटरेस्ट आ जाता है, वो कहते हैं छोड़ दें, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी किसी एजेंसी का इंटरेस्ट उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो अगले दिन फिर पकड़ लो, फिर उसके बाद कारी सैफुल्ला साहब को पता नहीं चलता कारी सैफुल्ला जब गए कहाँ हैं, मिसिंग, ठीक है ना। अब ये बड़ा डूबियस किरदार है, बेनजीर ने अपनी रिकंसिलिएशन जो किताब थी ना उसमें जिक्र किया हुआ इस बंदे का, कारी सैफुल्ला का। अब ये कारी सैफुल्ला कभी अपीयर होता है, कभी डिसअपीयर होता है, कभी पकड़ा जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है, कुछ इसमें इंटरेस्टेड हैं एजेंसीज, कुछ देखो ना, ये भी बड़ा डूबियस है, ठीक है। अब उसमें होता है, देखें कि वो एक ऐसी वारदात में भी शामिल है जिसमें उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उससे वो सारा असला बरामद होता है, कि जो जनरल अब्बासी का नाम मैं मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, मेरे जनरल अब्बासी थे, हाँ जहीरुल इस्लाम अब्बासी, मेरे जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, फिर बाद में ये भी अरेस्ट हो गए थे, कोर्ट मार्शल वगैरह ये वो सारा कुछ हुआ था। अब ये लकूनाज हैं कि आपने अगर कारसाज वाली जो वारदात थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट था, अगर उसके भी जो अक्यूज थे, जो सस्पेक्टेड थे, अगर उनको भी अगर आप ट्रेस कर लेते टाइम से पहले, तो हो सकता है 27 दिसंबर का वाक्या ना होता, मैं हो सकता का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ठीक है ना, आप उनको भी नहीं कर रहे, आप जो जेआईटी कराची के लिए बनाई गई थी, जो सिंध की बनी थी, अब उनके भी कमाल ऐसे थे, वो भी कोई फिल्म का वो एक मंजर पेश करते हैं कि फिल्म बन रही है बेनजीर पे, बाकायदा प्रॉपर तरीके की फुल फ्लैज एक अटेम्प्ट हुई है, 150 बंदा मर गया है, 500 बंदा जख्मी है, आप इस तरह के वाक्य को आप डील कैसे कर रहे हैं, इंक्वायरी कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे बेशुमार चीजें हैं। एक और बात है कि कराची ही में, अब देखें एक और बंदे का जिक्र आया था, एक अजमतुल्ला मसूद था, एक उसका भाई था अबुल वहाब मसूद, ठीक है। अब ये दो बंदे किसी ना किसी हवाले से बेनजीर भुट्टो पे 18 अक्टूबर को जो अटेम्प्ट हुई थी ना कहीं से लिंक थे, इन्वॉल्व थे। ये 2010 में पकड़े जाते हैं कराची में, कराची की सीआईडी पकड़ती है इनको। किस चक्कर में? ये किसी और चक्कर में पकड़े जाते हैं, ये इस चक्कर में नहीं पकड़े जाते हैं कि बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे कराची पे जो बॉम्ब ब्लास्ट था, जो अटैम्प्ट, ये उस चक्कर में नहीं पकड़े जाते, ये पकड़े जाते हैं एक और चक्कर में कि जी सीआईडी को ये पता चलता है, उसके उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये जो अजमतुल्ला महसूद है और उसका जो भाई है अबुल वहाब महसूद, ये सीआईडी के एक सीनियर अफसर हैं, एसएसपी सीआईडी शाहिद, उमर शाहिद का ये टारगेट किया हुआ था उन्होंने, उमर शाहिद को मारना चाहते थे, इन्होंने इस चक्कर में पकड़ा, ठीक है। कराची की जो जेआईटी थी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, अजमतुल्लाह का नाम नहीं था, अजमतुल्लाह महसूद का नाम नहीं था, उसके भाई का नाम नहीं था, 2010 में आके सीआईडी एक और चक्कर में इनको पकड़ती, वहां से उन्हें पता चलता है कि ओहो भाई इनका भी लिंक था, लेकिन अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये अजीबो गरीब गेम की गई है, पकड़ते हैं तभी पकड़ लेते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, सस्पेक्टेड होते हैं, फिर डूबियस सर्कमस्टांसिस में रिलीज भी हो जाते हैं, समझ नहीं आते, फिर डिसअपीयर भी हो जाते हैं। अब उसके बाद जो एक और था, ये एक वाइटल, मैंने पहले कहा था ना वाइटल लिंक्स मिस होना, एक बड़ा ही वाइटल लिंक जिसको मैं वाइटल लिंक कहता हूँ, वो था ये जब हैंडलर पकड़े गए, ये जो लोग थे जो उस सहूलतकार थे जो उस बिलाल को फैसिलिटेटर्स जो थे, बिलाल को जैकेट दी थी, ठीक है, जो 14-15 साल की उम्र का लड़का था जिसने एक्चुअली अपने आप को ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से ये सारा हुआ, इकरामुल्लाह उस वक्त ड्यूटी लगी हुई थी, वो दूसरा सुइसाइडर था, लेकिन उसको उस वक्त कहा गया था कि अगर ये बिलाल फेल हो जाएगा ना तो इकराम तुमने फिर एग्जीक्यूट करना, तुम गेट पर खड़े हुए ना, बाय द टाइम ये काम हो चुका था, वो निकल गया, उसका पता नहीं चला। अब जो ये लोग पकड़े गए, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो जेआईटी के पास आई, उसमें दो बंदे बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनका नाम लिया गया। अच्छा, एक नादिर खान था एलियस कारी इस्माइल, ठीक है, एक नसरुल्ला था एलियस अहमद उर्फ, इनके उर्फियत बहुत होती है, ओके। जो दहशतगर्दी गर्द तंजीमों के साथ जुड़े होते हैं ना, उर्फ अहमद उर्फ अली, अली उर्फ मसूद, मसूद उर्फ नईम, नईम उर्फ असलम, इस तरह से होता है, ये जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी इनके आप जब तंजीमों के साथ आप पढ़ेंगे तो एलियस बड़े होते हैं, उर्फियत बहुत चल रही होती है, ठीक। एक बंदे के 6 दफा उर्फ लगा हुआ है, देखें ना आप रियल टाइम में उसका नाम क्या है ये कई दफा पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि क्या। अब ये कारी इस्माइल जो नादिर खान था एलियस कारी इस्माइल और जो नसरुल्ला था, ये एक बड़ा वाइटल है क्योंकि जो कॉन्फेशन स्टेटमेंट में इन दोनों का नाम दिया जा रहा था कि ये दो बंदे थे जो एक्चुअली बैतुल्ला मसूद को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसे काम के लिए, जिन्होंने 4 लाख रुपया, बैतुल्ला मसूद के बारे में कहा जाता था कि 4 लाख रुपया दिया गया था इस एग्जीक्यूशन में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो टोटल कॉस्ट थी वो 4 लाख रुपये थी, जस्ट फोर लाख। अब इनको पकड़ना था, लेकिन ये 19 दिन बाद ही, 27 दिसंबर को हुआ था तो 19 दिन बाद ही, ये 15 जनवरी 2008 को अंडर डूबी सर्कमस्टांसिस ये जा रहे थे गाड़ी में, ये दोनों हजरात, इनके साथ एक सुसाइडर बॉम्बर भी था, ये जा रहे थे तो मोहम्मद एजेंसी में चेक पोस्ट लगी हुई थी मोहम्मद राइफल की, ठीक है, कहा ये गा कि ये उनको देख के अपनी गाड़ी छोड़ के भागे हैं, वो खुद कुछ बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया है, अब ये दोनों भाग रहे थे तो मोहम्मद राइफल ने इन दोनों को भागते हुए गोली मार दी, ये मार गए, ये सबसे वाइटल एक लिंक था क्योंकि यहां से आप बैतुल्ला मसूद, अगर बैतुल्ला मसूद वाकई इसमें था तो यहां तक जा सकते थे,
तो इस तरह के जो आप माशाल्लाह हुए हैं उसमें तो इशारे मुझे हो रहे हैं आपको हुए। जी जी हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है नाज़रीन। नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहाँ पे समअप करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई, जो भी कुछ हुआ, लेकिन अगर देखा जाए ये एक बहुत एक जो सानहा है, ये बहुत नुकसान है ना सिर्फ हमारी मुल्की सियासत को बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में भी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वॉज़ अ विजनरी लीडर, और विजनरी लीडर किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का एक एसेट होता है। कहते हैं कि ग्रेट लीडर्स नेवर थॉट टू बी अ गुड लीडर, इट्स ऑलवेज अबाउट अ थॉट, सो इट्स नेवर फॉर बींग अ रोल, इट्स ऑलवेज अबाउट अ गोल। इस थॉट के साथ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं सच हूं, तुम मुझसे ज्यादा सच हो, वादों की सूली पे लटके हुक्म चोर बाजारी से लेकर कुर्सी की दीमक तक सब रद्दी के बाजार से मिलता है। सिर्फ दास्ताने हैं, लेकिन अब दास्तां गो कहानी को नया मोड़ देने वाला है। इन्वेस्टिगेटर, मैं सत्तार खान, कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं सच के साथ हूं।